मेरे प्यारे देशवासियों, ये सही है कि कोरोना से बहुत लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा है। गुरुग्राम की प्रीति चतुर्वेदी जी ने भी हाल ही में कोरोना को हराया है। प्रीति जी मन की बात में हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनके अनुभव हम सबके काफी काम आएंगे। प्रीति जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। सबसे पहले तो मैं आपकी कोविड-19 से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए सराहना करूँगा। थैंक यू सो मच। मेरी कामना है आपका स्वास्थ्य और तेजी से बेहतर हो। जी शुक्रिया सर। प्रीति जी। हाँ जी सर। ये सिर्फ आपके परिवार में आप ही का नंबर लगा कि परिवार के और सदस्य भी इसमें फंस गए? नहीं नहीं सर, मैं अकेली ही हुई थी। चलिए भगवान की कृपा रही। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप अपने इस पीड़ा के अवस्था के कुछ अनुभव अगर साझा करें तो शायद जो श्रोता है उनको भी ऐसे समय कैसे अपने आप को संभालना चाहिए इसका मार्गदर्शन मिलेगा। जी सर जरूर। सर इनिशियली स्टेज में मेरे को बहुत ज्यादा लेथार्जिक मतलब बहुत सुस्ती आया, और उसके बाद ना मेरे गले में थोड़ी सी खराश होने लगी। तो उसके बाद ना मेरा थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये सिम्टम्स है, तो मैंने टेस्ट कराया। दूसरे दिन रिपोर्ट आते ही जैसे मेरे को पॉजिटिव हुआ, मैं अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, एक रूम में आइसोलेट करके। आप डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करा मैंने उनसे, उनकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो आपका परिवार बच गया आपके क्विक एक्शन के कारण? जी सर, वो बाकी सबका भी बाद में कराया था, बाकी सब नेगेटिव थे, मैं ही पॉजिटिव थी। उससे पहले मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था एक रूम के अंदर, अपनी जरूरत का सारा सामान रख के उसको मैं अपने आप अंदर कमरे में बंद हो गई थी। और उसके साथ साथ मैंने फिर डॉक्टर के साथ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो मैंने मेडिकेशन के साथ साथ ना मैंने योगा, आयुर्वेदिक और साथ में मैंने ना काढ़ा भी लेना शुरू कर दिया था अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और सर मैं दिन में मतलब जब भी अपना भोजन वगैरह लेती थी उसमें मैंने हेल्दी फूड जो कि प्रोटीन रिच डाइट थी वो लिया। मैंने बहुत सारा फ्लूइड लिया, मैंने स्टीम लिया, गार्गल किया और हॉट वाटर लिया। मैंने दिन भर मैं इन सब चीजों को ही अपने उस जीवन में लेती आई डेली। और सर इन दिनों में ना सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगी कि घबराना तो बिल्कुल नहीं है, बहुत मेंटली स्ट्रांग करना, जिसके लिए मेरे को ना योगा ने बहुत ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी ना, उससे मुझे अच्छा लगता था उसको करने से मुझे। अच्छा प्रीति जी, जब अब आपका प्रोसेस पूरा हो गया, आप संकट से बाहर निकल आई, अब आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है। हाँ जी सर। तो फिर आप अपने स्वास्थ्य के लिए, इसके देखभाल के लिए अभी क्या कर रही है? सर मैंने एक तो योगा बंद नहीं किया है, ठीक है, मैंने काढ़ा अभी भी ले रही हूँ, और अपनी ना इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए मैं अच्छा हेल्दी फूड खा रही हूँ अभी, जो कि मैं बहुत अपने आप को नेग्लेक्ट कर लेती थी, उस पर बहुत ध्यान दे रही हूँ मैं। धन्यवाद प्रीति जी। थैंक यू सो मच सर। आपने जो जानकारी दी मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के काम आएगी। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।